अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र तय कर कर इस जगह पर पहुंच चुके हैं, वो देख रहे हैं आप लोग घर नीचे, उधर से हम लोग चलना शुरू हुए हैं और मेरे ख्याल से हमें एक घंटे से ऊपर लगे इस जगह पहुंचने में, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर। तो ये हम लोग इस जगह पहुंचे हैं, पहाड़ की बिल्कुल चोटी है ये जगह। यहाँ हम लोगों ने ये स्पॉट चूज़ किया था कि हमने यहीं तक हर हालत में पहुँचना है। सब ने बहुत ज़्यादा कहा कि नहीं 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 बस कर जाएं बस कर जाएं, इतना काफ़ी और नहीं ऊपर जा सकते, लेकिन आई सेड के नहीं, हमने अगर इतना किया तो आगे ही पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और ये है नारगालियाँ ट्रैक, मतलब वैसे इसको अपनी ज़ुबान में नारगालियाँ कहते हैं इस जगह को, वो तो नीचे है लेकिन हम ऊपर आए हैं चोटी पर पहाड़ की, तो हमने अपने से इसका नाम दिया क्योंकि पहले कोई नहीं आया, लोग गांव के लोग आते जाते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस जगह पर, और इसलिए हमने कहा हम ज़रा इसका नाम खुद अपने ही मर्ज़ी से रख लेते हैं। तो ये नारगालियाँ ट्रैक अपनी तरफ से और नाम रखे हमने। तो यहाँ पहुँच कर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक जैसे इंसान अपनी मंजिल पर पहुँच जाए तो खुशी होती है ना, अच्छी हवा है, हर चीज़ क्लियर है, सारा व्यू क्लियर है, इतनी मेहनत के बाद हमें ये नज़ारा देखने को मिला है और वाकई ये रिमेम्बरेबल होगा, अनफॉरगेटेबल होगा। हम इंशाल्लाह भी यहाँ पर कोशिश करें कि कोई चीज़ ऐसी लगा के जाएँ कि याद रहे सबको, एक निशानी रहे कि यार हम यहाँ पर आकर यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, और सब थक गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं। रास्ते में दो तीन दफ़ा हमने पानी भी पिया है, चश्मे वगैरह थे पत्थरों से जो पानी निकल रहा था, अब ये सारे थके हुए हैं। और यहाँ पर एक हमारे इस इलाके में हर जगह पर छोटी छोटी जगह पर ना गरंडे लगे हुए हैं, हम उन्हें गरंडे ही कहते हैं, और वो जो ब्लैक ब्लैक से होते हैं, मीठे हैं और भी थोड़े से कच्चे हैं इसलिए ज़्यादा नहीं है, वरना होते तो कुछ हमें खाने को भी मिल जाता। अभी हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूख भी लग रही है, कुछ देर यहाँ स्टे करेंगे फिर इंशाल्लाह वापस नीचे जाएंगे, नीचे जाने में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, पर बहुत मुश्किल से आए हैं, देख लें पाँव के क्या हाल हो गए हैं, निशान पड़ गए हैं पूरे के पूरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर लोगों ने जलाए हुए थे दरख्त वगैरह, और तो ये देखें हर चीज़ जली हुई है, ऊपर लोग जला देते हैं दरख्त, पता नहीं क्यों जलाते हैं, और दो बंदे अभी भी नीचे आ रहे हैं, सादिया और राहील मेरे कज़न मेरी बहन, और सीरियसली बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े के। मैं चाहती हूँ हर कोई इधर आए, इसलिए मैं यहाँ पर ये व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पूरा रास्ता तो नहीं बना सकी क्योंकि चढ़ना बहुत मुश्किल है और ना मैं ज़्यादा इतना बना सकती हूँ, कोशिश थी कि बस और वो डंडी है मेरी उस पर पकड़ पकड़ के हम आए, बहुत मुश्किल से, कि जो नीचे वाला जो एरिया है ना ये सारा का सारा जला हुआ था, और यहाँ की जो लकड़ियाँ थी इतनी सख्त थी कि हम बहुत मुश्किल से आए, चुभ रही थी, किसी के कपड़ों में फंस रही थी, किसी के पाँव में लग रही थी, किसी के हाथों में लग रही थी, पर एट द एंड बहुत मज़ा किया, ये वाकई याद रहेगा इंशाल्लाह, हमेशा याद रहेगा। थैंक यू, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसी जगह पर आएँ, और अगर कोई जानना चाहता है इस जगह को, आना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं सारी डिटेल दूंगी कि आप ज़रूर इधर आएँ, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।